नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिना बारिश के ही बनारसी दास मिल के पीछे की कॉलोनियों में पानी भर जाने की समस्या को लेकर अनेक कॉलोनियों की जनता ने इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह की अध्यक्षता में रोष मार्च निकाला और अंबाला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए स्थानीय विधायक से पूछा कि वो बताएं कि बिना बारिश के ही मिल के पीछे की कॉलोनियों में पानी क्यों भर जाता है। इस अवसर पर ओंकार सिंह ने बताया कि पूरे अंबाला छावनी का पानी मिलाकर पीछे छोड़ दिया जाता है, लेकिन आगे निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस दौरान क्या कुछ कहा ओंकार सिंह ने आप खुद ही सुन लीजिए। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज का है प्रदर्शन बनारसी दास की मिल के निवासियों के लिए है। थोड़ी सी बारिश होती है, दो बूंद पानी के बरसते हैं और मिल के पीछे सारी कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। इसका एक कारण है सारे अंबाले का पानी, महेश नगर का, त्रिजून कॉलोनी का, हाउसिंग बोर्ड का, सारे अंबाले का पानी मिल के पीछे छोड़ दिया गया और आगे पंप चलाते नहीं है। आगे पंप वाले चोर बैठे हैं। तीन तीन जनरेटर है, जनरेटर नहीं चलाते, दो जनरेटर खराब है, एक जनरेटर में तेल नहीं है। ऐसी व्यवस्था क्या यहाँ के विधायक को नजर नहीं आती? मिलकर पीछे के लोग डूबे थे पिछली बार पंप वालों की गलती से, इस बार भी डूब रहे हैं पंप वालों की गलती से। इनको बिल्कुल समझ नहीं आती, मिलकर पीछे के लोगों को कोई अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन मिलकर पीछे के लोग इस पर तख्ता बदलेंगे, एक तानाशाह का तख्ता बदलेंगे। मिलकर पीछे वाले ही इनकलाब लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।